Coach, just a word on Hardik Pandya's bowling. He's been touching even 140 kilometers. And then again, when you play Jadeja and Axel Patel in the 11. Yeah. I mean, at times, there is a chance it can get monotonous for the batsman, right? And two left arm. So how do you like overcome that part? Could you explain, please? I think firstly, it's very happy the way Hardik has shaped up. I think something that we worked for a long time. I think we've been planning on this and just working, managing his workload, making sure that he's fit firstly and be able to achieve what he's being able to, what we expect out of him right now. And that you could see in the last game. That's what you expect him to come out there. He's been doing that consistently in the past, hitting that 140 plus mark. Once he does that, I think he's a different bowler. And it's also from a bowler, from the team perspective, it's a wicket-taking option that we have, and that's at that stage that he bowled. We wanted someone to come out there and kind of challenge the wicket batsman, which he did, and I'm extremely happy the way he has bowled. You know, you have a balance, you have spinners, it's the discretion of the captain who to choose, when to choose, but I think that's totally up to the captain, when he wants to, how he wants to use any particular bowler. But it's important that given the responsibility, the bowler has to come out there and deliver, and that's very happy to see that Hardik did that. Both. I think, you know, it's both have a responsibility, or both have a job to do for the team. And given the circumstances, given the wicket, everything will, the combination will change. And that's why we went with Akshar in the last game. We thought that wicket was turning a little bit, which you could see in the first inning. And that's why we went with Akshar. I'm very happy. Happy with the way they've gone about as well. सर तिलक वर्मा से आज आपने देखा कि आप नेट्स में काफ़ी देर तक बात कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी देर तक बॉलिंग भी की, तो क्या उस ऑप्शन को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और आने वाले मैचेस में क्या हम तिलक को खेलते हुए और बॉलिंग करते हुए भी देख सकते हैं? तिलक के साथ ये हम लोग अंडर 19 से एक्चुअली काम कर रहे हैं. मुझे लग रहा था कि जब वो अंडर 19 में थे, वर्ल्ड हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका खेलने गए थे, एक मुझे लग रहा है कि उनके साथ, उनके पास जो है एक स्किल है बॉलिंग का, हम यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. तो उस चीज़ पे हम कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं. अगर हमें लग रहा है कि जैसे अगर कॉन्फिडेंस हो, ऑब्वियसली आज नेट में वर्क कर रहे हैं, कभी एक अपॉर्चुनिटी मिली शायद टू स्टार्ट एक ओवर भी एटलीस्ट मैच में डालने की अपॉर्चुनिटी मिली, हम वहाँ से चालू कर रहे हैं. और वहाँ पे अगर एक बार होगा कि हमें कॉन्फिडेंस है, कैप्टन को कॉन्फिडेंस है कि ये डिलीवर कर सकते हैं, एक ओवर का दो ओवर हो सकते हैं. सो ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट किया, अगर एक ओवर भी मैच में डाले तो एक ऑप्शन मिलता है. अगर और दूसरा, अगर कोई ऐसे बॉलर है, अगर बैट्समैन है, गिवन अ सर्कमस्टेंस, कल जैसे विकेट था, अगर कोई ज़रूरत पड़ी, कैसे स्पिनर की ज़रूरत कभी कभी बहुत टाइम लगती है, अगर एक आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर लेफ्टी को, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स हैं या कोई ऑफ स्पिनर का ऑप्शन चाहिए आपको, अगर ऐसा कोई बॉलर है आपके पास तो आप यूज़ कर सकते हो. तो ऑब्जेक्टिव वही रहेगा कि उसको जैसे वर्क बॉलिंग पर वर्क कर रहे हैं कि एक मैच में, एक मैच एटलीस्ट कॉन्फिडेंस हो कि एक बॉल डाले. दूसरा है कि खेलेगा, आई थिंक अपॉर्चुनिटी है. आई थिंक अगर अब तक तो टीम डिसाइड नहीं की है, आई थिंक राहुल और अपना रोहित बात अब तक डिसाइड नहीं हुआ है, पर डेफिनेटली प्लेयर रेडी है. और जैसे देखा आज उन्होंने प्रैक्टिस की, बाकी तिलक ने काफ़ी और भी है, सूर्या है, उन्होंने, आई थिंक मैच रेडी है. अगर अपॉर्चुनिटी अगर मिले, अगर लगा कि हम खेल सकते हैं तो डेफिनेटली खेलेगा. पारस भाई, एज ए बॉलिंग कोच, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कीप समवन लाइक मोहम्मद शमी आउट ऑफ द प्लेइंग 11? व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन यू हैव, बिकॉज ही इज द मोस्ट सीनियर, ही वाज पार्ट ऑफ द 2015 टीम, देन 2019, ही इज अ रिदम बॉलर, ही इज कंसीडर्ड अ रिदम बॉलर. सो व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन यू आर हैविंग विद, और मे बी इवन राहुल द्रविड एंड रोहित शर्मा? First part is extremely difficult. It's not very easy to leave out someone like Shami, you know, with the experience that he's get, the performances that he's done for the country, it's phenomenal. So it's not never easy to have that kind of conversation. But I think we are very clear in terms of the way we've gone about the communication that we have with the players, the confidence they've shown at us. And any decision that we have taken, the player knows, one is the intent, where we come from. And anything is for the benefit of the team. Anything that helps for the team, we look from the team's perspective, and I think that message is very clear consistently for the last few years. So particular player knows why he's not in the team. It's a particular reason why he's not in the team, and it's always difficult to leave someone like him. But I think the requirement at that stage may not be possible to play him, and he understands that. I think we've been honest with that, the communication, and he's been very reciprocal with it. So he's understanding. He understands that. And that's how the game's going to be. Sometimes you get an opportunity, sometimes get a place for you, don't get a place for you. But I think it's important, the combination is important for the team. On that given day, particular wicket, you will have to go with a certain combination, and the player understands that. Yes, because
क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए, तो बांग्लादेश वाला जो मैच है, क्या इसमें कुछ आप ऐसे प्लेयर्स को मौका देंगे जो ज़्यादा नहीं खेल पाए हैं, चाहे सूर्य कुमार यादव हों, श्रेयस अय्यर भी बैटिंग करें इसका मतलब वो फिट होंगे, तो क्या कुछ है माइंड में कप्तान का, कोच का सोच कि कुछ खिलाड़ी को आजमाया और कुछ जैसे बुमराह हो गए, हार्दिक हो गए, राहुल, विराट, किसी को रेस्ट देने का कुछ ऐसा चलेगा सर? अब तक तो डिसाइड, अब तक तो ऐसे नहीं कॉन्वर्सेशंस हुआ है कि हम क्या करेंगे कल, बट ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी है, बनती है हमें कि बाकी के इंडिविजुअल्स, सिंस हम क्वालिफाई हो गए ये फाइनल्स के लिए, एक अपॉर्चुनिटी बनती है बाकी के प्लेयर्स को भी एक गेम देने के लिए, सो डेफिनेटली वो ओपन है, यू नो कैप्टन और जब आई थिंक कल अनाउंस करेंगे, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे हम क्वालिफाई हो गए ऑलरेडी सम, सो कल देखेंगे, बट आई थिंक एक टीम पर्स्पेक्टिव आई थिंक आप हो सकता है कि हम खेल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिले सबको। टीम इंडिया के पास तीन लेफ्ट हैंड स्पिनर्स हैं, तो जब पूछा गया वेरिएशंस को लेकर, तो रोहित ने कहा था कि वो भी और विराट भी अवेलेबल होंगे गेंदबाजी करने के लिए। डू वी एक्चुअली एवर सी रोहित एंड विराट बॉलिंग? क्योंकि कंडीशंस जब श्रीलंका के खिलाफ मैचेस थे तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था रोहित के पास वो ऑफ स्पिन, सो इज देयर जस्ट ऑन पेपर वो है ऑप्शन, या आर वी एक्चुअली गोइंग टू सी रोहित और समवन लाइक सूर्या व्हेनेवर ही प्लेज टू बॉल ड्यूरिंग दोस मिडल? Firstly, I think we have other options. You know, if you look at the three options, spinning options we have. हमारे पास already वो options है. अगर match में लगा कि कहीं match open है, जैसे कल last match ऐसी थी, बहुत tight थे, I think opportunity वहाँ नहीं थी कि कहीं हम experiment कर सकते, कहाँ रोहित का over या विराट को डाल सकते थे. I think you already had quality spinners हमारे पास थे. Given the circumstances, given the total हम defend कर रहे थे, I think वहाँ पर वो opportunity नहीं है. पर कहीं मिला तो क्यों नहीं, यू नो आई थिंक अगर वैसे मैं पहले भी बोला, अगर कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले, कैसे विकेट टर्न होती है हमें मालूम नहीं, कैसे विकेट निकल, हम एक सर्टन आइडिया से जाते हैं विकेट कैसे प्ले करेगी, हमें कल लग रहा था लास्ट मैच में लग रहा था कि थोड़ा टर्न होगा, पर हमें ये इतना नहीं लगा कि इतना बड़ा टर्न होगा स्टार्ट में, सो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो विराट है या कोई भी अगर एक दो ओवर डाल सकता है तो क्यों नहीं, आई थिंक ये ऑलवेज अच्छा होगा टीम के लिए, डालेगा कि नहीं डालेगा आई थिंक आप वो रोहित से बात करना चाहिए, विराट से बात करनी चाहिए, आई थिंक वो नहीं है, पर हमारी तरफ से तो कोशिश वही है कि अगर डाले तो अगर ये होगा, अगर अपॉर्चुनिटी तो क्यों नहीं, एक और तो सही, एक और तो बनती है। पारस, एक ही ग्राउंड पे दो मैचेस हुए लेकिन दो स्वभाव दिखाए विकेट ने, तो एज अ बॉलिंग कोच आप कैसे ये सोचते हो, आप कैसे समझाते हो बॉलर्स को, क्योंकि हमेशा एडॉप्शन की बात ज़्यादा होती है तो बैट्समैन की बात होती है, क्यों नहीं बॉलर की बात की जाए कि अडॉप्ट करना है, और बहुत एक दिन में इतना बदलाव हमें देखने को मिला है और आगे भी दो मैचेस होने वाले हैं, तो आप कैसे समझाते हो? आई थिंक फर्स्टली आप रीड करते हो विकेट कैसे दिखती है, यू नो आप खेले वहाँ पे, सो दोनों विकेट जो हम खेले थे दोनों अलग विकेट थे, और जो बाजू बाजू के विकेट थे, फर्स्ट विकेट हम खेले थे उसमें थोड़ा ज़्यादा ग्रास था, और जनरली यहाँ पे अंडर लाइट्स आई थिंक विकेट बेटर होती है, डिफिकल्ट होती है बॉलिंग के लिए, बैटिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप देखिए ट्रेडिशनली देखा है चेसिंग इतना ईजी नहीं रहा है यहाँ पर अंडर लाइट्स, सो कुछ ना कुछ होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा ग्रास था और हम लोगों ने वो कंडीशंस फार बेटर यूज़ किए उनसे, आई थिंक वो एक चीज़ हमें एक क्रेडिट बॉलर्स को देनी चाहिए कि हम लोगों ने वो जो कंडीशंस थे वो बेटर यूज़ किए। कल की जो विकेट थी वो ज़्यादा ड्राइश लग रही थी, बिकॉज एक तो काफ़ी दिनों से बारिश गिर रही थी, उनको प्रिपेयर करने का उतना टाइम नहीं होता, एज अ ग्राउंड्समैन चैलेंजिंग होगा कि कितना पानी मारे, अगर पानी थोड़ा भी मार दिया और क्लाउड्स आ गए तो सूखेंगे नहीं, सो आई थिंक द अदर ऑप्शन बेटर होता है ऑलरेडी कि थोड़ा स्लाइटली ड्राइश विकेट मिल रहा है, तो हम वो एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा ड्राइश विकेट रहेगा बिकॉज ऑपर्चुनिटी बनाने की चांस नहीं मिली है और विकेट में ग्रास भी कम थी, सो उस हिसाब से हमें मालूम था कि थोड़ा टर्न होगा, पर वो ज़्यादा ही टर्न थोड़ा ज़्यादा हुआ एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में इतना नहीं हुआ, अंडर लाइट्स ऑब्वियसली बारिश गिरी, थोड़ा मॉइस्चर आ गया और थोड़ा बेटर हो गया, फिर भी थोड़ा टर्न था, पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो थोड़ा टर्न होगा विकेट, लुकिंग एट द विकेट कंडीशन। कोच, हाउ यू थॉट अबाउट बांग्लादेश टीम, एंड वी जनरली सी दैट बांग्लादेश इज स्पिन ओरिएंटेड कंट्री, स्पिन ओरिएंटेड टीम, बट नाउअडेज़ बांग्लादेश प्लेयर्स अटैक इज डूइंग वेल, सो हाउ यू रेट योर नेक्स्ट ऑपोजिशन बांग्लादेश? I think they've been very competitive. They played some good cricket in the last few years. They've got some quality fast bowling coming through. We could see that in the last few the last World Cup that we played against them, the last game that we played out here, and some good seamers out there. From our perspective, it's we are playing international cricket. Every team that we play is important. Every team's going to challenge us. We go into that scenario saying that every team we've been challenged out here, and this game is nothing different than what has been the past.
Bangladesh is a good good team, and we will have to play our best cricket against any team, and that includes Bangladesh or any other team. So we'll have to play what to our potential, and that's important. Finally, two questions. Hi, fast bowlers go team ke Shami ko, Bumrah ko, Siraj ko, Shardul, Hardik, everyone. Kya mandate aapka rehta hai, aur kya salah aap dete hain ki kitna variation use karna hai? Bumrah ka yorker humne dekha, sorry, slower one dekha, zabardast wicket mila usne. To knuckle ball, slower ones, ye kaise aap karte hain use karne ke liye? Humko bata. पहले तो चीज़ आई थिंक जिस स्टेज पे ये सभी बॉलर्स हैं, आई डोंट थिंक मुझे बाहर से उनको बताने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनकी, एबिलिटी रीड करने की सिचुएशन, विकेट कंडीशंस बहुत ही एक्सपीरियंस है, तो उसमें ज़्यादा बताना नहीं पड़ता उन लोगों को. जैसे आप लोग बुमराह ने जैसे वो बॉलिंग किया, इनिशियली वी स्टार्टेड ऑफ थोड़ा पेस यूज़ किया, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर हम वेरिएशंस यूज़ करें स्पेशली वो विकेट पर तो काफ़ी डिफिकल्ट जाएगा. आई थिंक वो डिसीजन एवरी बॉलर अंडरस्टैंड करता है, विकेट देख के, सिचुएशन देख के, और इतना एक्सपीरियंस है तो उस चीज़ में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता. डिस्कशन होगा कि हम क्या ऑप्शंस दे सकते हैं. तो मेरा फ्रॉम अ कोचिंग पर्सपेक्टिव हम इतना ही करते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन है आपके पास, अब कौन सा ऑप्शन आपको यूज़ करना है डिपेंडिंग ऑन कौन से सिचुएशन में आप बॉलिंग करें, वो इंडिविजुअल पर हम छोड़ देते हैं. और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास, सो वो एक बहुत ही यू नो अच्छी चीज़ है कि जिस तरह से एक्सपीरियंस है, काफ़ी खेले हैं एक साथ, काफ़ी खेले हैं, सो जो कम्युनिकेशन अंदर है अमॉन्ग्स इन बोलर्स बहुत ही अच्छा है. सो उससे ऑनेस्टली मेरा काम बहुत ईजी होता है, एंड दैट्स इट. मैं ज़्यादा ऑनेस्टली अगर क्रेडिट लेना चाहता हूँ, होपफुली मैं ले सकता हूँ, पर नहीं है वैसे. आई थिंक दे हैव डन अ फैबुलस जॉब. या Faris, sorry, got it late. I know, Rishi. We have already answered the question. Yeah. How about you? You are a seamer. You built an excellent team in Bombay with the Abhi, Sachin and Vishal. Now, how do you summarize the availability of all three, Jasprit, Hardik, as well as Siraj, for the World Cup, going to the World Cup? And secondly, what is the equation with, when does he come in, sir, for Jadeja during the World Cup or in India? I think firstly, you know, in terms of the combination, you're pointing about the all three guys playing together, right? I think that's the biggest, one of the biggest challenges we have and are doing, working on, is making sure that each and every bowler is available for selection. And I think that's going ahead, that will start with the managing the workloads, and that's been a constant process for the last few years. My question was, all three are available as of now. So yeah. How do you look at it, actually? The problem of plenty is always good. You're still not doubtful about nothing. Yeah, but we've been following his progress. In fact, Bumrah's progress we've been following from the NCA bit. So we were very happy with the report that we got. Whatever we've seen, whatever communication that's come through NCA, we were sure that he was up to this. And I honestly feel the problem of plenty in a situation like this is always good. You know, you have four quality bowlers out there, and include Prasidh, I would say, we want to include Prasidh as well. So you have great options, you have different, we've covered different aspects of our skill wise, and you know, everything like Shami brings a different skill, Prasidh brings a different skill, Bumrah is always special. So I think that all departments, I think we have covered. The option of choosing the right combination of the numbers will always depend on what surface we are playing and what opponents we are playing. I think that will be varying upon the what those conditions are. So, but you have someone like these as an option of 4-5 bowlers, I think pretty happy the way we are. I should be happy with it. Well, that will be all scenario will be situation based, surface based, what opponents we are playing, what kind of a surface we are playing. I think that combination will always go with Jadeja or Akshar, or with only two of them or three of them. You know, so that will totally depend on what surface we are playing. And I think that decision will be taken venue wise as well. Yeah. Thank you. Yeah. Thanks, guys.